अंकल साहब को मिल रहा है जनता जनार्दन का। आज तो साथ साथ भगवान इंद्र देवता ने भी बूंदों के रूप में पुष्प वर्षा कर दी। और ये जो खुशनुमा माहौल अभी आप देख रहे हो, ये खुशनुमा माहौल आदरणीय गुंजन साहब के 4 तारीख 4 जून को जीतने के बाद पूरे कोटा बोली में होने वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सारी बात आपको आदरणीय गुंजन साहब कहेंगे। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि कल आदरणीय गुंजन साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील डाली थी। उन्होंने अपील की थी कि कोटा बूंदी में टोटल 21 लाख मतदाता हैं, 8 विधानसभा है, 2000 से ज्यादा बूथ है, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं हर मतदाता के घर तक जाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने कम समय में सब जगह आदरणीय गुंजन साहब जा पाएंगे। ऐसे में हम सबको जो इस प्रांगण में बैठे, हम सबको आदरणीय प्रहलाद गुंजन जी की भूमिका में आना पड़ेगा। हम सबको प्रहलाद गुंजन बनकर घर घर चाय की थड़ियों पे, दुकानों पे, जहां भी हम बैठेंगे आज से, जहां भी हमारी चर्चा होगी, हम सब आदरणीय प्रहलाद जी गुंजन साहब के गारंटर बनकर, उनके भाई बनकर, भतीजे बनकर, रिश्तेदार बनकर आदरणीय गुंजन साहब के लिए मतदान के लिए आप जनता का आशीर्वाद मांगेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे। और अगर आप सब जनता ने चाह लिया जिस तरह से जनता का हुजूम उमड़ रहा है, तो ये पक्का मान लो कि 4 जून को आपका ये लाडला बेटा, ये आपका लाडला बेटा 4 जून को कोटा की धरती से सांसद बनकर दिल्ली की संसद में पहुंचने वाला है। मैं तो आज कई बात कर रही थी तो कह रहा था ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी गुंजन साहब को सम्मान के नहीं रख पाई, गुंजन साहब को मान सम्मान नहीं दे पाई, जिसके गुंजन साहब हकदार थे। अगर गुंजन साहब को भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देती, अगर भारतीय जनता पार्टी गुंजन साहब को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देती, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जब प्रहलाद जी गुंजन साहब बोलते, तो उसको अमेरिका भी सुनता, उसको चीन भी सुनता। कहना चाहता हूं, आपके इस बेटे को अगर आपने सांसद बनाकर संसद में भेज दिया, तो सोचो जो आपका बेटा जब इस कोटा की धरती पर कमजोर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनका कोई धड़ी धोरी नहीं है, जिनका कोई रखवाला नहीं है, उनके लिए जब ये गुंजन सड़कों पे संघर्ष करता है, जब बोलता है, तो लोगों की दुहें खड़ी हो जाती है, पानी में आग लगने जैसा वातावरण बन जाता है। तो सोचो जब प्रहलाद गुंजन उस दिल्ली की संसद में बोलेगा, जब कोटा बूंदी के आम जनता के मुद्दों के लिए, आम जनता की समस्याओं को, जब वो दिल्ली की संसद में उसकी आवाज को उठाएगा, तो वो माहौल कैसा होगा। जब प्रहलाद गुंजन बोलेगा, तो मुझे एक बार तो विश्वास है कि एक बार तो मोदी भी टिकटकी लगाकर सोचेगा कि मैंने क्या गलती कर दी। मोदी भी सोचेगा कि मैंने क्या गलती कर दी, ये अमित शाह इस बिरला को कहां से पकड़ लाया, इस बंदा को कहां से पकड़ लाया, इस अमित शाह ने कौन सी जगह जाकर, इस अमित शाह ने कौन सी जाकर इस बिरला के फार्म हाउस में भरारी काट ली, उस भरारी का एहसान चुकाने के चक्कर में ये बिरला को पकड़ लाया। और जब गुंजन, जब प्रहलाद गुंजन, जो धरती का पुत्र, किसान पुत्र है, जो जनता का बेटा है, उसको दूर कर दिया, इस बंदर को लेकर आ गया। मेरे भाइयों, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा,
कि इस बेटे को इतना आशीर्वाद दो, इतना भरपूर आशीर्वाद दो, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हो तो प्रहलाद गुंजल की। अब भाई साहब आपके सामने अपना संबोधन देंगे, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। राम राम सर। जय जिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद।